राधे राधे दोस्तों, हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको ये 2-3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सी ड्रेस बनाना बताया था। इस वीडियो में इसके मैचिंग की कैप बनाना बताएंगे। तो कैप बनाने के लिए हमने 10 नंबर सिलाई ली है, जैसे कि हमने ड्रेस में ली थी, और ये ड्रेस के मैचिंग की ऊन है जिससे हमने ड्रेस बनाई थी, वही ऊन ली है। और इसमें हमने 16 फंदे डाले हैं। अब पहली और दूसरी सलाई हम इस तरह से ऐसे उल्टी उल्टी सॉरी सीधी सीधी बनाएंगे। इस तरह से ऐसे ऐसे सीधा बुनेंगे। इस तरह ऐसे ऐसे बुनेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर दें, जिससे कि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस तरह की सुंदर सुंदर ड्रेस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। ये देखिए, इस तरह से इसे सीधा बुन लिया है। अब इधर से भी इसे सीधा बुनेंगे। पहली सिलाई सीधी बना ली थी, देखिए दूसरी सिलाई भी हम इस तरह से सीधी सीधी बुनेंगे। इस तरह से ये सिलाई भी हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने 2 सिलाई बुनी हैं और दोनों सीधी बुनी हैं। अब हम तीसरी सिलाई पर हैं, तो इसमें हमने 16 फंदे डाले हैं, तो 20 के 14 फंदे डबल करेंगे। पहला फंदा हम ऐसे ही इस तरह से सीधा बुन लेंगे। अब एक फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे। इसमें अभी जाली नहीं बनानी है, इस तरह से बुनेंगे और इसे निकालेंगे नहीं, इस धागे को अपनी तरफ करेंगे और इसी को ऐसे उल्टा बुनेंगे। तो एक फंदे को हमें 2 बार बुनना है। फिर धागा ऐसे किया, अब इसी फंदे को ऐसे सीधा बुना, धागा अपनी तरफ किया और इसी फंदे को ऐसे उल्टा बुना। फिर से ऐसे ही करेंगे, धागा इधर किया, वैसे सीधा बुना, धागा अपने तरफ किया और इसे उल्टा बुना। इसी तरह हम बीच के सभी फंदे डबल कर लेंगे। पहला फंदा और लास्ट का फंदा ऐसे ही बुन लेंगे। तो चलिए ये फंदे हम आपको डबल करके दिखाते हैं। एक फंदे को 2 बार बुनना है इस तरह से। देखिए बीच के सभी फंदे डबल कर लिए हैं। पहला और लास्ट का फंदा ऐसे ही सीधा बुना है। अब हम इसके सीधे तरफ हैं, सॉरी उल्टे तरफ हैं, तो उल्टे तरफ से पूरी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे इस तरह से। तो चलिए ये सिलाई हम आपको बुन के दिखाते हैं। फंदे बढ़ाने के बाद इसमें हमने 1 सिलाई उल्टी बुनी है, फिर 1 सिलाई सीधी और 1 सिलाई फिर से उल्टी बुनी है। हम इसमें जाली बनाएंगे, तो पहला फंदा हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे। पहला फंदा हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे। और जब हम जाली बनाते हैं तो एक फंदा बढ़ जाता है, लेकिन हमें फंदा बढ़ाना नहीं है। तो इस तरह से जाली बनाएंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। जाली बनाते हैं तो धागा ऐसे अपने तरफ रखते हैं और 2 फंदों को इस तरह से बुनेंगे। एक फंदा बढ़ेगा तो एक घट जाएगा, इसलिए फंदे बराबर रहेंगे। फिर से धागा अपना तरफ करेंगे और 2 फंदों को इस तरह से बुनेंगे। ऐसे ही हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा लास्ट का फंदा सीधा बुनना है इस तरह से। ये देखिए, फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, जाली बनाएंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। इस तरह से जाली बनती जाएगी और एक एक फंदा बढ़ेगा तो एक एक फंदा घटता चला जाएगा। चलिए तो इन फंदों में भी हम जाली बना लेते हैं। ये बीच के सभी फंदों पे हमने फंदे बढ़ा लिए हैं, सॉरी जाली बना ली है। फंदे तो जितने एक बढ़ा है तो एक घट गया है, इस तरह से जाली बन गई है। अब हम इसके उल्टे साइड हैं, तो उल्टे साइड से पूरी सिलाई ऐसे उल्टी बुनेंगे। और जब हम इसके सीधे तरफ आएंगे तो सीधे तरफ से पूरी सिलाई सीधी बुननी है और फिर 1 सिलाई और उल्टी बुननी है उल्टी तरफ से।
तो टोटल इसमें अभी हमें 3 सलाई बुननी है। ये कि ये हम बुन रहे हैं उल्टी, फिर एक सीधी और फिर एक उल्टी। तो चलिए ये सलाई हम बुन लेते हैं, फिर बताएंगे कि आगे क्या करना है। ये फंदे जो जाली बनाने के बाद हमने 3 सलाई बुनी है, एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी। अब हम सीधे तरफ आ गए हैं, पहले हमने फंदे बढ़ाए थे, अब हम फंदे घटाएंगे। तो पहला फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे और ऐसे दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। बीच के फंदे हमने डबल किए थे, तो अब बीच के फंदे हम इस तरह से घटा देंगे, दो दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, जिससे कि इसमें फिर से 16 फंदे हो जाएं। इस तरह से तो चलिए ये फंदे हम आपको घटा के दिखाते हैं। देखिए इसके फंदे हमने घटा दिए हैं, इस तरह से बन गई है। अब हम इसके उल्टी तरफ आएंगे, तो उल्टी तरफ से अब हम ऊन अटैच करेंगे, ये ऑरेंज कलर वाली, इस तरह से, और पूरी सिलाई ऐसे ही उल्टी उल्टी बुनेंगे। क्रीम कलर की ऊन को कट कर देंगे। और इसे ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए ये सिलाई हम आपको बुन के दिखाते हैं। सीधे तरफ आ गए हैं, तो सीधे तरफ से ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे, और जब उल्टी साइड आएंगे तो उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे। ऐसे बुनते हुए इसे थोड़ा सा हम लंबा करेंगे। तो चलिए बुनते हैं, फिर बताएंगे कि इसमें हमने कितनी सिलाई बुनी है। ये इसकी दूसरी सिलाई है। देखिए इसे हमने इतना बना लिया है, इसमें टोटल 7 सिलाई बुनी है उल्टे और सीधे तरफ से। अब ये धागा हम कट कर लेंगे, धागा थोड़ा बड़ा सा काटेंगे क्योंकि इसी से हमें सिलाई करनी है। इस धागे को इस तरह से सुई में डालेंगे और इन सभी फंदों को हम इसी धागे में सुई की हेल्प से उतार लेंगे। ये देखिए एक एक फंदा करके। इस तरह से इसको ऐसे उल्टा करेंगे और एक बार फिर से इन्हीं फंदों में से इस धागे को निकालेंगे। इसको पलटेंगे और इधर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको इस तरह से रखेंगे, इसे फोल्ड करना है इस तरह से। अगर आप चाहें तो क्रीम कलर के धागे से पहले इधर सिलाई लगा दें। इससे पहले हम ये जो क्रीम कलर से बुना है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें कंगूरा बन गए हैं। ये हमने जो जाली बनाई थी उसके, अब इसको इस तरह से रखेंगे और इधर अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे फोल्ड करते हुए। क्रीम कलर से बुना है तो क्रीम कलर के धागे से सिलाई लगाएंगे, जिससे कि सिलाई दिखे नहीं। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इस धागे को कट कर देंगे। जैसे हमने इधर नॉट लगाई थी, अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इधर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो चलिए सिलाई लगा के दिखाते हैं। देखिए सिलाई लगा ली है, इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए सुंदर सी हैट हमारी बन गई है। चलिए पहना के दिखाते हैं इस तरह से। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।
थैंक यू।